कमुची कोरोना कप हटिला नाइट कर्फ्यू दिनकु दिन कोरोनार कप कमुथबारु कोहळ हला कटकणा कालीठे राज्यर समस्त सहरांचलर हटिला नाइट कर्फ्यू राज्य में कोरोना आक्रांतक संख्या कमुथबारु नाइट कर्फ्यू हटाइबाकु घोषणा करिसेंति स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर फल राति दोकान बजार और गाड़ी चलाचल नहीं आउ कौनसी कटकणा रहिबा। द्वितीय पर्यायर 71% मतदान गतकाल पंचायत निर्वाचन द्वितीय पर्याय मतदान बेले अनेक स्थान में गंडगोल बूथ रिगिंग भाई घटना जो निर्वाचन प्रभावित होती तेज द्वितीय पर्यायर हाराहारी 71% मतदान होता बेले जाजपुर जगत सिंहपुर जिलार केतेक स्थान में गंडगोल जो मतदान प्रभावित होता राज्य निर्वाचन कमिशन पक्ष सूचना दी जाए। निर्वाचन ड्यूटी रे गला बळे दुर्घटना 3 पुलिस मृत 14 आहत तृतीय पर्याय पंचायत निर्वाचन रे ड्यूटी रे जाउथबा बळे दुर्घटन रे चली गला 3 पुलिस कर्मचारी को जीवन से प्राय 14 पुलिस कर्मचारी आहत मध्य होइछन्ति। गतकाली राति प्राय 9टा बळे नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी थाना अंतर्गत सरीस पद निकट रे घटिछि एही दुर्घट घटना। एक बस रे पुलिस कर्मचारी माने नवरंगपुर गोसा गुमुडा जाउथिले तेबे सरीस पद निकट रे बस टी भारसाम्य हरै रास्ता कडक ओल्टी पडिथिला। आज आसबे राष्ट्रपति स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दुईदिन ओडिशा गस्तर आसबार कार्यक्रम रही। राष्ट्रपति आज 12:15 दिल्ली रु वायुसेनार स्वतंत्र विमान आसी भुवनेश्वर विमान बंदर में 2:45 पहुंचे सेठे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विधिवत स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति सेठार पुरी जिबे और आज अपराह 4:00 to 6:00 मध्य महाप्रभु श्रीजगन्नाथ दर्शन करेंगे। एथिपाय श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष 2 घंटा सर्वसाधारण दर्शन को बंद रखा। 3 दिन धरी राज्य में होपे वर्षा आगामी 3 दिन धरी राज्य में केतेक जिले में वर्षा होपे एथस कुहपे एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पापाग केन्द्र पक्ष सूचना दी जाए। भुवनेश्वर आंचलिक पापाग केन्द्र निर्देशक डॉक्टर एचआर विश्वास कहते आज जगत सिंहपुर कटक कंधमाल अनुगुल और ढेंकानाल जिलार केतेक स्थान में कुहड़ी होपे एथस झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर जिले गोटे दुईट स्थान में हालाकर मध्यम धरणर वर्षा होपे। चर्चा रे पड़ा पुनश्चेद मुख्यमंत्री कहिले मु फिट अच्छी पंचायत निर्वाचन भितर बेस किछि दिन हेबो मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक असुस्थ थिबा चर्चा होतला तेबे गतकाल चर्चार पुनश्चेद पड़ी खोद मुख्यमंत्री सामना आसी चर्चा रे पुनश्चेद पकाई। मुख्यमंत्री गतकाल महाप्रभु श्री लिंगराज दर्शन करने सहित एकामर प्रकल्प समीक्षा करते अवसर में मुख्यमंत्री कहते जब निर्वाचन आसे मो स्वास्थ्य भल ना नहीं गुजब कराए कि मु संपूर्ण सुस्थ अच्छी भल अच्छी मुख्यमंत्री कहते। हिजाब विवाद क्लास करने को आसुना अनेक पिला कर्णाटक देखाई हिजाब विवाद दिनक दिन तीव्र होबार लगी समस्त धर्मियों संकेत उपर हाइकोर्ट अंतरीण रोक लगे अनेक मुस्लिम छात्री निज जिद अटल अच्छा शिक्षानुषान हिजाब परिधान अनुमति मिलू नक पिला क्लास बर्जन करतीस हिजाब जो अनेक पिला प्राक्टिकाल परीक्षा बद लगि रही एजाए कौन भी स्थान में बड़ धरणर अघटन घटना। युद्ध आशंका बढ़ला आणविक युद्धाभ्यास कर रुषिया युक्रेन संकट को नहीं चिंता आहरी बढ़ाई रुषिया गोटेपटे सेना प्रतिहार कथा कहता बेले अंपटे आज एक बड़ धरणर आणविक युद्धाभ्यास करने को रुषिया एषिया अंत महादेशीय बालास्टिक और क्रूज मिसाइल गुड़िकर परीक्षण हो संभाव्य आणविक युद्ध मुकाबला रुषिया ही अभ्यास करथवार कहुच्छे। रुषिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन निजे ही आणविक युद्धाभ्यास निरीक्षण करेंगे। जहाजरे लगला निया बुड़गला 3956 टी दामिकार आटलांटिक महासागर चलीगला लंबोर्गिनी पोर्से भड़ी दामिकार बोझे कार्गो जहाज जहाजटी महासागर अकात अकात पानी भितर चली जाए। आटलांटिक महासागर एजोरेस आइलैंड निकट में जहाजरे निया लगी वोक्सवागन कंपानी सूचना अनुजाई जहाजरे 3956 टी दामिकार तथा लग्जरी कार था तेरे कारगुड़ समुद्र गभर पा भितर बुड़ जाता बेले जहाजरे 22 जन क्रू मेम्बर को सफलतार सहित उद्धार कर। सीरीज बोमा विस्फोरण 38 जन को मिलला फांसी दंड बहुचर्चित 2008 मसीहा गुजरात अहमदाबाद सीरीज बोमा विस्फोरण में बड़ राय आसी सीरीज बोमा विस्फोरण में दोषी सब्यस्त होता 49 जन 38 जन को गतकाली फांसी दंड में दंडित कर 11 जन को आजीवन कारादंड में दंडित कर अहमदाबाद स्वतंत्र कोर्ट राय शुणा बेले बोमा विस्फोरण पीड़ितों क्षतिपूरण घोषणा कर। द्वितीय T20 वेस्टइंडीज को 8 विकेट हराइला भारत इडेन गार्डेन में खेला द्वितीय T20 मैच में भारत वेस्टइंडीज को 8 रन में परास्त करिछे। विजय सहित रोहित बाइनी 3 मैच विशिष्ट T20 सीरीज को जितिबा सहित 2-0 अग्रणी हासिल करिछे। प्रथम बैटिंग करी भारत विराट कोहली 52 और ऋषभ पंत को अपराजित अर्धशतक बल में निर्धारित ओवर 5 विकेट हराई 186 रन करिथिला जवाब वेस्टइंडीज 3 विकेट हराई 178 रन करने को सक्षम होता।